सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल से हम कैसे VMC मशीन पे प्रोग्राम बनाते हैं। और सबसे पहले तो हम समझेंगे कि G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल होती क्या है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि G81 स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल, उसका जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो डिफरेंट तरीके से बनाया था। यहां पर G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल की क्या जरूरत है अगर हम G81 साइकिल से भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब हमें थोड़ी डीप होल ड्रिलिंग करनी होती है तो हम जो है G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल यूज करते हैं। ये पैक ड्रिलिंग जो है टूल की लाइफ को इंक्रीज करती है, क्योंकि अगर हमको डीप होल यानी गहरे होल पे अगर हमें ड्रिलिंग करनी है तो हमारी जो ड्रिल है उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पैक ड्रिलिंग। पैक ड्रिलिंग में क्या होता है कि अगर हमको जैसे कि थोड़ा गहरा ड्रिल करना है तो हम एक बार में सारा ड्रिल नहीं करेंगे, हम जो है कुछ स्टेप्स बनाएंगे कि हम 3 या 4 बार में जो है हम इसको ड्रिल करेंगे। जो ड्रिल होल की गहराई है उसको हम जो है 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो उनको जो हिस्से हम डिवाइड करेंगे उनको हम पैक बोलते हैं, ठीक है। तो उन पैक्स की जो क्वांटिटी है वो हम अपनी G83 साइकिल में डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बार में थोड़ा हिस्सा जो है ड्रिल हो जाएगा, उसका मटेरियल रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर दोबारा से ड्रिल ऊपर जाके रुकेगा और फिर दोबारा से नीचे जाएगा और फिर वो मटेरियल रिमूव करेगा। इस तरह से जो है हमारे टूल की लाइफ भी बनी रहेगी और जो है डीप होल ड्रिल भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल है और इसको जो है डीप होल ड्रिलिंग साइकिल भी बोलते हैं, उसका सिंटेक्स किस टाइप से होता है यानी उसमें हम डेटा फिल करते हैं वो किस टाइप से फिल करते हैं वो चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो हर एक का जो वैल्यू है वो चीज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स वाई जो है होल की पोजीशन है, जो कि कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, उनकी जो लोकेशन है जिस होल पे हमको करनी है, ठीक है। जैसे ये होल है और इसकी जो एक्स में डिस्टेंस है और वाई में डिस्टेंस है, जैसे 10 है एक्स में, ठीक है, ये वाली, और वाई है 10। तो ये जो x और y के कोऑर्डिनेट है ये यहां से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। z जो है डेप्थ है, कितनी गहराई में हमको जो है ड्रिल करनी है, ठीक है। तो वो जो z की वैल्यू है वो हम यहां पर डालेंगे, ठीक है। ये हो गई, ये होती है r प्लेन से, रिट्रैक्शन प्लेन से। उसके बाद r है, ये आप जो सोच रहे हैं r, ये हमारा रिट्रैक्शन प्लेन है। जैसे कि अगर ये वर्कपीस का टॉप सरफेस है, ठीक है, और इस पर हमको ये ड्रिल लगानी है, तो यहां पर हम एक इमेजिनरी प्लेन मान लेते हैं, ये हमारा रिट्रैक्शन प्लेन कहलाता है। इससे जब ड्रिल करते हैं तो टूल हमारा यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद जो है ड्रिल करता हुआ नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर दोबारा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे ड्रिल करेगा। तो ये जो प्लेन होगा ये हमारा आर प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा आर प्लेन है। तो ये प्लेन कितनी ऊपर है इसकी जो ये डिस्टेंस होगी ये हम यहां पर डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद है क्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है G83 साइकिल का। ये जो क्यू वैल्यू है इसको बोलते हैं हम पैक, ठीक है। ये वैल्यू जो है पैक कहलाती है। पैक वो अमाउंट होता है जितना अमाउंट हम जो है ड्रिल करने के लिए एक बार में जो है ड्रिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर देख लीजिए, अगर हमको ये 20 mm की ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, 20 mm तक हमको जो है थ्रू होल यहां पर ड्रिल करना है, तो 20 mm एक बार में हम ड्रिल नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 5 mm एक बार में कट करेगा, दूसरी बार में 5, ये 5, ठीक है। तो ये एक बार में कट करेगा तो ये पहला पैक हो गया, ठीक है, यहां तक ड्रिल कर देगी, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बार में नीचे तक आएगा तो ये वाला ड्रिल हो जाएगा यहां तक, फिर तीसरी बार में ये हो जाएगा, तो ये पैक्स हैं, ठीक है, और ये चौथी बार में ये वाला हो जाएगा। तो ये जो पैक है इसकी वैल्यू जो है
हर एक पैक को जो हम वैल्यू देंगे इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जो हर एक पैक की वैल्यू होगी, जैसे कि 5 mm है, ठीक है, तो यहां पर हमको Q5 डालना है, तो ये हमारा पैक कहलाएगा। अब क्या है K? अब अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ड्रिलिंग हो गई और कुछ चीजें रह गई इसके अंदर मटेरियल में, मान लीजिए इसमें बर रह गई साइड से या छोटा बड़ा मटेरियल रह गया, तो आप चाहते हो कि एक बार ड्रिल ना होकर के ये दोबारा से ड्रिल हो, तो ये है नंबर ऑफ रिपीटेशन के, कितनी बार आपको रिपीट करनी है। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, पैक ड्रिलिंग में आपको इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बर छोड़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसमें जो है खाली टूल को जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए ये प्रोविजन दिया गया है, इसका यूज वैसे होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद एफ, ये हमारा फीड रेट है, ठीक है, किस फीड से हम जो है टूल को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो फीड रेट भी हम इसमें डालते हैं। तो फीड रेट का मैंने बताया हुआ है कि कितना फीड रेट किस मटेरियल के लिए लेना है, फीड रेट का अलग फैक्टर है, कैसे फीड कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल। पैक ड्रिलिंग साइकिल का यूज हम टूल की लाइफ को बढ़ाने के लिए करते हैं और वहां पे करते हैं जहां पे हमको काफी गहरे जो है होल्स ड्रिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग साइकिल है, इसका यूज कैसे करना है इसका एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसको जो है G98 और G99 कोड के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, तो दोनों ही कोड के साथ मैं आपको यूज करके बताऊंगा कैसे ये काम करती है, ठीक है, एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप VMC मशीन पे फानुक कंट्रोल के अंदर जो है ड्रिलिंग कैसे कर सकते हैं। ड्रिलिंग का ये वीडियो है और इसमें हम जो है G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल का यूज करेंगे। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल, जैसा कि नाम से पता है कि इसका जो है यूज डीप होल ड्रिलिंग के लिए करते हैं, मतलब कि जो ज्यादा गहरे अगर हमको होल्स करने हैं ड्रिल, तो हम उसको जो है एक बार में ड्रिल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम जो है छोटे छोटे पैक्स में प्रोग्राम को जनरेट करते हैं कि एक बार में कुछ मटेरियल ड्रिल हो जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा मटेरियल ड्रिल हो जाए और फिर थोड़ा और। तो इससे क्या है कि टूल वियर कम होता है और जो फिनिशिंग मिलती है वो भी हमको बेटर मिलती है, चिप इवैक्यूएशन इजी हो जाता है और हमको टूल लाइफ बेटर मिल जाती है। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल है, उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझा देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है वर्कपीस है और इस वर्कपीस पे हमको जो है 6 होल ड्रिल करने हैं, ठीक है। एक तो ये मल्टी ड्रिलिंग हो गया, इसमें हमें मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं, उसके अलावा हमको जो है एक बार में जो है एक ड्रिल करना है और इसमें जो है गहराई जो रहेगी वो करीब 50 mm जो है इसकी थिकनेस है। तो इस वर्कपीस में जो होल हमको ड्रिल करना है वो 50 mm गहरा करना है। तो 50 mm जब हमको गहरा ड्रिल करना है तो हम एक बार में ड्रिल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको जो है पैक ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि हम जो ऑफसेट लेंगे, आप जो है सेंटर ऑफसेट भी ले सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर वर्कपीस है, और आप जो है कॉर्नर ऑफसेट भी ले सकते हैं, आप किसी भी कॉर्नर पे ऑफसेट ले सकते हैं। तो हम जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो कॉर्नर है इसको जो है ओरिजिन पॉइंट मान के चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहां से हमारे सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मेजर होंगे। अब देख लीजिए, ये जो पहला होल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। अब इसमें डायमेंशन थोड़ी सी क्लियर कर लीजिए, ये जो है 50 mm है, यहां से भी 50 mm ऊपर है, मतलब एक्स में 50 है, वाई में 50 है, ये 150 है, ये 150 है, एक होल से दूसरे होल की जो डिस्टेंस है ये 140 है, ठीक है, 140, ठीक है। और इस होल से इस होल में जो है एक्स में जो डायरेक्शन है इसमें जो डिस्टेंस दी हुई है ये 150 है, ठीक है। तो अब जो है इसके पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो स्पीड लेंगे हम 30 मीटर पर मिनट से जो है ड्रिलिंग करेंगे और फीड जो लेंगे 40 mm पर मिनट की जो है फीड लेंगे, ठीक है। MOC यहां तक दी हुई है, SS 316, HRC जो है 45 है, मतलब इस वर्क पीस की जो हार्डनेस हम ले रहे हैं वो 45 ले रहे हैं, ठीक है। HRC जो स्केल होता है इसमें हम जो है हार्डनेस
45 एमएस की ली है, ठीक है। इस वर्क पीस की जो थिकनेस है वो 50 एमएम है, और ड्रिल का जो डाया हमने जो लिया है वो 10 एमएम का जो है डाया है इसका ड्रिल का, तो थ्रू होल होगा, और थ्रू होल होने के साथ साथ इसमें पैक होगा, बार बार जो है ड्रिल होगा। तो अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस टाइप से इसका प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम नंबर हो गया, N10 ये सीक्वेंस नंबर हो गया, G80 अगर कोई कैन साइकिल हमने पहले एक्टिवेट की हुई है तो उसको पहले कैंसिल कर लीजिए, कटर कंपनसेशन कैंसिल कर लीजिए G40 से, G21 से, इनपुट इन एमएम में दे दीजिए, और G94। ये G94 कोड जो है ड्रिलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूं। जब भी हम फीड देते हैं वो एमएम पर मिनट, देखिए फीड एमएम पर मिनट में हम दे रहे हैं तो G94 कोड यूज करेंगे, अगर हम फीड पर रेवोल्यूशन देंगे तो हम जो है G95 कोड यूज करेंगे। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमएम पर रेवोल्यूशन ये कहां पर यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब हमको जो है टैपिंग ऑपरेशन करना होता है या फिर हमको थ्रेडिंग करनी होती है, क्योंकि वहां पे हमको बहुत ही प्रिसीजन से अपने टूल का मूवमेंट करना होता है, अगर थोड़ा सा भी हमने अगर गड़बड़ कर दी तो थ्रेड एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी और थ्रेड नहीं बनेगी, तो वहां पर हम G95 यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम G94 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको थ्रेडिंग करनी नहीं है, ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए G91 किस लिए है, इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। अगर हमारा टूल कहीं पर भी होगा उसके बाद अगर हमको उसको अपनी होम पोजीशन पर भेजना है तो हम जो है G28Z0 ये कोड यूज कर लेंगे, ठीक है, ये होम पोजीशन पर वापस भेजने के लिए होता है। तो टूल अगर हमारा नीचे है कहीं पे तो पहले टूल अपने होम पोजीशन पर पहुंच जाए, VMC मशीन है तो VMC में सबसे पहले जो एक्सेस ऊपर की जाती है वो होती है Z, ठीक है। हमेशा याद रखिए टर्निंग में हमको चल जाएगा कुछ भी हो, लेकिन VMC में आपको क्या करना है, पहले मशीनिंग सेंटर का जो ड्रिल वाला सेक्शन है उस हेड को ऊपर पहले भेजिए, ठीक है। ये हमने पहले ऊपर भेज दिया, उसके बाद X0 और Y0 G28 के साथ में, ठीक है। क्यों X0 Y0 को अगर आपने पहले और बाद में कर पहले अगर दे दिया ना तो अगर कहीं फिक्सर लगा हुआ है टूल तो फिक्सर को उखाड़ देगा टूल, ठीक है। इसलिए जो है पहले टूल को जहां पर भी है वहां से वो ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद उसको XY जहां ले जाना है वहां ले जाइए, ये बहुत सेफ्टी की चीजें हैं। उसके बाद देखिए N06, यहां से टूल जो है आपने एक्टिवेट किया T06 6 नंबर का टूल, G43 ये ठीक है हाइट कंपनसेशन के लिए यूज करते हैं, टूल हाइट कंपनसेशन G43 से। उसके बाद कहां से लेगा H6, ये जो है ऑफसेट नंबर है H06, ठीक है। उसके बाद जो है G90, अब हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया। देखो यहां पर हमने G91 यूज क्यों किया था, जहां पर भी हमारा टूल पड़ा होगा किसी भी पोजीशन पर हमको उसी पोजीशन से उठा के ले जाना है टूल को, तो हम G91 यूज करेंगे। अगर हमको पहले ओरिजिन पे लाना है फिर उसके बाद भेजना है तो हम G90 यूज करेंगे। तो कभी भी टूल कहीं पर भी फंसा हुआ है तो उसको G90 से मत उठाना, G91 से उठाना, ताकि टूल जो है सीधा ऊपर जाए, ठीक है। तो G90, अब हमारा टूल कहां आएगा, G0 से रैपिड से Z10 वर्कपीस के सरफेस से, देखिए वर्कपीस के सरफेस से 10 एमएम ऊपर जो है हमारा टूल आके रुक जाएगा, ठीक है। ये हमारा 10 एमएम ऊपर है, यहां पे आके रैपिड में आ जाएगा टूल, ठीक है। उसके बाद M03, इससे हमारा जो स्पिंडल है टूल जिस पे लगा हुआ है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। S800 से जो है इसकी स्पीड है। M08, इससे हमारा कूलेंट ऑन हो जाएगा M08 से। अब X0Y0 कौन सी पोजीशन है इसकी, ये होम, ये ओरिजिन पोजीशन है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा टूल इसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद हमने लगाया G90 कोड लगाया, G99, ठीक है। ये कोड आप अगर यहां लगा रहे हैं ना तब भी चल जाएगा, कंफ्यूज मत होना, इस कोड को आप यहां लगाइए या यहां लगा दीजिए, ये क्या है, ये तब तक एक्टिव रहेगा जब तक ये प्रोग्राम कैंसिल ना कर दिया जाए। किससे कैंसिल किया जाएगा, G98 से, ठीक है। तब तक जो ये है ये
एक्टिवेट रहेगा, तो आप यहाँ लगा दीजिए तब भी एक्टिवेट रहेगा, यहाँ लगा दीजिए तब भी एक्टिवेट रहेगा। G99 साइकिल हम क्यों यूज करते हैं? G99 साइकिल हम इसलिए यूज करते हैं, अगर हमारा टूल ऊपर है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो ये जो है पहले वर्कपीस यहां पर है, ठीक है, और हमको जो है ये आर प्लेन है, तो आर प्लेन तक लाने के लिए पहले यहां पर रोकेंगे, फिर उसके बाद यहां से ड्रिलिंग करेंगे, फिर ये आर प्लेन पर जाएगा वापस, और फिर दूसरी जगह ड्रिलिंग करेगा, फिर तीसरी जगह ड्रिलिंग करेगा, तो ये आर प्लेन पर ही रहेगा, तो आर प्लेन को रीड करेगा ये G99 कोड, ठीक है। G99 कोड इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो ड्रिल है वो आर प्लेन पर ही रुका रहे, ठीक है, बट ड्रिल करके जाए आर प्लेन पे आ जाए, ड्रिल करके नीचे जाएगा फिर आर प्लेन पे आएगा, तो G99 कोड यूज करेंगे, ठीक है। और G98 तब यूज करते हैं जब हम अपने टूल को इनिशियल पोजीशन जहां से हमारा टूल आया है वहीं पर उसको भेजना है, तो हम G98 कोड यूज करेंगे। हर कोड का एक मतलब है, सबको समझ के चलिए। अब देखिए G83 साइकिल, मैंने आपको पहले बताया G83 साइकिल में एक्स वाई जेड ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, यानी पोजीशन है, X50 Y50 ये पहले कोऑर्डिनेट की पोजीशन है, मतलब पहला होल है X50 में और Y50 में, तो ये इस होल की पोजीशन है, एक्स में आपने 50 mm चले और वाई में आप 50 mm चले तो यहां पर आ गए, तो पहले होल की पोजीशन ये आ गई, यहां पे आ गए Z-55। अब Z-55 का मतलब है 50 mm जो है इस वर्कपीस की थिकनेस है और 55 तक हम उसको लेके जाएंगे, आप यहां पर 51 कर दीजिए तब भी चल जाएगा, ठीक है, 52 कर दीजिए, आप ड्रिल को जितना नीचे के लेके जाएंगे तो जो है आपका उतना ही क्लीनिंग जो है उसकी अच्छी होगी होल की, ठीक है। R5, ये R5 क्या है, ये R5 है आपका रिट्रैक्शन प्लेन, आर प्लेन क्या है, 5 mm जो है वर्कपीस से ऊपर है, ठीक है, 5 mm आपका वर्कपीस से ऊपर है, और मैंने इसीलिए आपको जो है 55 यहां पर लिया था, अब आपको समझा देता हूं क्यों लिया था। R5 जो है वर्कपीस के सरफेस से 5 mm ऊपर लिया है, ठीक है, तो 5 mm जब ऊपर हमने यहां पर ले लिया वर्कपीस के सरफेस से, तो अब हम पैक बनाएंगे। अब देखो कैसे पैक बनाएंगे, मैं आपको समझाता हूं। ये जो है 50 mm जो है इसकी थिकनेस है, ठीक है, तो 50 mm को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, तो 10-10 mm के जो है 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 5 mm ऊपर हमने यहां से आर प्लेन ले लिया, ये आर प्लेन है, तो 5 mm ये हो गया। अब अगला चीज देखोगे तब आपको समझ में आएगी, ये क्यू है, क्यू क्या है, पैक, क्यू क्या है, पैक, मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, ठीक है, गिव अवे में, तो पैक क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस, ये आपके पैक है, ठीक है, तो 10-10 mm के जो है आपने 5 पैक बनाए, लेकिन अब यहां कंफ्यूजन हो गया कि ये देखो मैंने जो डिस्टेंस ली है वो 55 ली है, मतलब 5 mm नीचे तक ली है और 5 mm ऊपर से उठा रहा हूं, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये हो गई 60, ठीक है, तो 60 डिस्टेंस हो गई टोटल, 5 mm नीचे तक हम लेके आ रहे हैं, 55-55 जाएगी ना जेड में इस सरफेस से, और आर जो है 5 mm ऊपर ली है, तो ये हो गई 60, तो यहां पर जो पैक बनेंगे वो बनेंगे 6, ठीक है, तो ये बन गए आपकी कितनी 10-10 mm के जो है पैक बन जाएंगे। तो एक बार में क्या करेगा, ड्रिल आएगा यहां तक ड्रिल करेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे आएगा यहां तक जाएगा सेकंड वाले तक, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे फिर ऊपर, तो इस तरह से जो है ये पैक बना के जो है ड्रिलिंग होगी, तो ये आपका जो है पैक है। F40 40 mm पर मिनट, मतलब ये हमने जो है G94 कोड के साथ में F का संबंध है, इस कोड का इस फीड के साथ में संबंध है, ठीक है, तो इसको रिलेशन इसके साथ करना है, mm पर मिनट, अगर ये वैल्यू दी होती 0.1, 0.2 तो यहां पर G95 कोड यूज होता, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे याद करने के तरीके हैं
इसको आप याद करते हैं, जब भी आप यहां पे 0.1 0.2 तो ये 95 देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है mm पर मिनट। उसके बाद देखिए, पहले वाले ड्रिल कर दिया, अब दूसरे वाले होल की पोजीशन x 200 y 50। x में देखो 50 है, 150 है, 150 प्लस 50 200 हो गए, मतलब x यहां से 200 इधर चलना है x में और 50 ऊपर, ठीक है। तो यही चीज दी है यहां पर y 50, ये इस वाले होल को ड्रिल कर देगा। फिर अगले वाले होल की पोजीशन देनी है, तो x 350, 150, 150, 350, 350 हो गई यहां पे आ गए और ये 50, x 350, y 50, ये तीसरा होल भी जो है हमने ड्रिल कर दिया। अब चौथे नंबर होल पे चलेंगे, तो क्या होगी पोजीशन इसकी, यहां से 350 x, ठीक है, और y में कितना 140 प्लस 50, ठीक है, ये 50, तो ये हो गया 190, ठीक है। इसकी हो गई x की हो गई 350, y 190, ठीक है। इसी तरह इसकी क्या होगी, x में कितना चलना है, x में 150 प्लस 50 x 200 y 190, ठीक है। इसका देख लीजिए, x 50 और y 190, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमको जो है आगे देने हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर देख लीजिए x 350, ये जो है चौथा होल है आपका, ये पांचवा होल है, ये छठा होल है, जो मैंने कोऑर्डिनेट वहां निकाले थे वही है ये। उसके बाद जी 80 से आप जो है ये जो साइकिल आपने लगाई वो कैंसिल कर दीजिए, बट यहां पर आपने एक कमांड भूल गए हैं, यहां पर आपको लगाना है ड्रिल करने के बाद G98, ठीक है, ये चीज यहां पर भूल गया हूं मैं, बट यहां पर G98 आएगा, फिर G80 लगाना है और उसके बाद जो है G28, Z0, Z0 इसलिए क्योंकि ये जो टूल है आपका, ये आपका जो है इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगर आप G98 नहीं लगाते हैं तो G28 से भी आप अपने टूल को ऊपर भेज सकते हैं, तो G28 आपने अगर यूज कर लिया तो G98 की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है आप G28 यहां पर यूज कर रहे हैं तो आप जो है G98 का भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी, मशीन में एरर नहीं आएगा। उसके बाद M30 से प्रोग्राम एंड और सेटअप, ठीक है, रीसेट हो गया। तो इस तरह से जो है आप G83 साइकिल का जो है ड्रिलिंग का प्रोग्राम आप आराम से बना पाएंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में करके, और प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाइए, क्या कोड जो है क्या कह रहा है उसका जो है मीनिंग आप समझ जाएंगे, तो आप जो है प्रोग्राम आराम से बना लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।